मैं सबसे पहले तो मैं चूँकि कालिंजर में यहाँ सबसे पहले एसपी हुआ, यहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई, इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने कालिंजर पर शोध करना चालू किया। शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मुझे ज्ञान भी हुआ। और हमने जो है कालिंजर में सबसे पहले कालिंजर पर तो शोध नहीं किया था, लेकिन कालिंजर के आसपास जो शैलाश्रय थे, चित्रित शैलाश्रय थे, रॉक पेंटिंग थी, उस पर मैंने सर्वे किया, तो वो 96 में मैंने पब्लिश किया सबसे पहले। उसके बाद फिर पुरातत्व में फिर काम किया, उसके बाद फिर लौट के आए, मतलब तो 3 साल पहले फिर कालिंजर में। फिर ये हुआ कि पूरे कालिंजर दुर्ग का सर्वेक्षण किया जाए, क्योंकि इसमें बड़ी अद्भुत स्थान है। यहाँ पर शैव धर्म के विकास का कुषाण काल से आधुनिक काल तक आप पूरी उसकी कैसे कैसे विकसित हुआ, अलग अलग जो उसकी फेजेस थी, उसमें कैसे क्या क्या परिवर्तन आया, विचारधारा में क्या परिवर्तन आया, इसका ये बड़ा जीवित उदाहरण है। अगर आप कभी मंदिर में जाएं तो मैंने तो अपने उसमें लिखाई है, जो आर्टिकल है हमारा कालिंजर नीलकंठ मंदिर पे, उसमें कैसे विकास हुआ है शैव धर्म का, इसका बड़ा बढ़िया उदाहरण है। तो इसीलिए इसको मैंने रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें नीलकंठ की श्राइन है, उस स्थान पर पहले रॉक पेंटिंग थी, पहले चित्रित शैलाश्रय थे, फिर वही बाद में शैव मंदिर बन गया। फिर शैव मंदिर पहले उसमें सोम सैद्धांतिक थे, कापालिक थे, कालमुख थे, नकली सिद्धांत को मानने वाले थे, फिर धीरे धीरे उसमें साक्त भी थे, वहाँ पे बहुत सारे संप्रदाय थे जो फिर बाद में आपस में मिल गए। अब आज अगर किसी से पूछें तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम शैव हैं, लेकिन शैव धर्म किन किन परिस्थितियों से गुजरा है, कैसे कैसे विकसित हुआ, उनको नहीं ज्ञान होगा। इसके अध्ययन के लिए बड़ा अद्भुत स्थान है, और वहाँ आपको 2000 से क्या मुझे लगता है 25-30 हज़ार साल का जीवित इतिहास वहाँ पे मिलता है, इसीलिए मैंने उस स्थान को चुना। आपको क्या लगता है पूरे देश में जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें बेस्ट लग रहा है इन सब चीज़ों से रिसर्च के? हाँ, मैं करने के बाद वहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक एज के टूल आसपास बहुत मिलते हैं, उनको तो हमने अभी इस अपने लेख में नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन लोअर पैलियोलिथिक का मतलब वहाँ 20 लाख साल से 25 लाख साल से जो मानव बन के बनाए हुए हथियार हैं उस चारों तरफ के क्षेत्र में फैले हुए हैं। उसके बाद फिर रॉक पेंटिंग्स हैं, और कालिंजर हिल पे भी हैं, कालिंजर के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं उन पे भी रॉक पेंटिंग बनी हुई है, और उन जो अब जो एक एस्टिमेट है कि कितनी पुरानी है पेंटिंग, सबसे पुरानी पेंटिंग 50,000 साल पुरानी मानी जाती है, 50,000 से 30,000 साल पुरानी यूरोप में पाई गई है। मुझे लगता है कि जितनी पुरानी यूरोप में है उतनी ही पुरानी यहाँ होंगी, उससे ज़्यादा ही पुरानी होंगी, और यहाँ पर लगातार मनुष्य रह रहा है, मनुष्य की गतिविधियाँ हैं, धार्मिक गतिविधियाँ हैं, और विशेष रूप से कालिंजर में पूरे कालिंजर पहाड़ पर रॉक पेंटिंग है। अर्ली स्टेज से जैसे आप बौद्ध साहित्य पढ़ें या संस्कृत साहित्य पढ़ें तो जो एक रत्नावली है श्रीहर्ष का लिखा हुआ, उसमें ये दिखाया गया है कि जो कौसाम्बी का राजा उदयन था, तो उसके पूरा जीवन चरित्र तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जब वृद्ध हो गया तो वो कालिंजर आया, और यहाँ से उसने पहाड़ से कूद के अपना प्राण त्याग दिया। तो ये ऐसा समझा जाता था कि यहाँ पर जो प्राण त्यागता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये तीर्थ भी था, जैसे आजकल हिंदू परंपरा के अनुसार ये तर्पण तीर्थ है, उसमें जड़ भरत की कथा से जुड़ा हुआ स्थान है, जो 7 मृगों की कथा से जुड़ा हुआ स्थान है, फिर बाद में और कहानियाँ बनती गई। अब आजकल तो वो जड़ अब तर्पण तीर्थ भी नहीं रह गया, केवल साहित्य में तर्पण तीर्थ है, अब वहाँ कोई तर्पण नहीं करता है, अब केवल कालिंजर के दर्शन करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद सब लोग मानते हैं, हमारे पूरे बुंदेलखंड के लोग, बहुत ही अच्छी जगह है ये, बावजूद इसके वो स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा, आपको क्या? अब ये तो इसके बारे में तो अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो निश्चित रूप से वहाँ स्थान मिलेगा, उसका साहित्य हो, उसके बारे में लिखा जाए। हम लोगों ने इसीलिए लिखा भी है कि उसका महात्म्य लोगों को पता चले। अभी तो लोग सोचते हैं कि कालिंजर का मंदिर है, वहाँ जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इन मूर्तियों में क्या है, ये कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, ये 2000 साल पुराने ये मूर्तियाँ हैं। तो जब लिखने के बाद उनको ये जागरूक होंगे कि भाई ये इतनी पुरानी परंपरा है और जीवित परंपरा है, मतलब एक तो ये है कि वो पुरानी परंपरा है, भूल गए होता, लेकिन वहाँ अभी भी जाके हाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे जाके उस परंपरा को अभी भी जीवित किए हुए हैं। तो ये जीवित परंपरा वाला स्थान है, और मुझे लगता है इससे बढ़िया
विश्व धरोहर का कोई स्थान नहीं हो सकता।